और यही कारण आप देखें कि ये सरकार 1932 चिल्लाते चिल्लाते कि 1932 का ध्यान आधारित स्थानीय नीति, फिर उसके आधार पर नियोजन नीति बनाएंगे, ये चिल्लाते चिल्लाते 32 से ये सरकार 23 में आ गई है और ये 47 ले आई है। तो निश्चित रूप से जो वर्तमान सरकार जो करने जा रही है, हम लोग नियुक्ति का स्वागत जरूर करते हैं, लेकिन जो 47 के आधार पर कर रही है, इसे झारखंड राज्य के शिक्षित बेरोजगारों का भला नहीं होने वाले, राज्य के लोगों का भला नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग अभी भी इस बात पर स्टैंड है कि सरकार दो चीज़ सुनिश्चित करे। सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करे कि जो जो हम लोग 11 नवंबर 2022 को विधानसभा से दो जो विधेयक पारित हुए हैं, 6 महीने से ऊपर हो गए ये दोनों विधेयक के पारित हुए, एक था कि यहाँ के OBC को 27% आरक्षण देने का, SC ST के आरक्षण में 2-2% वृद्धि का, जिसका विधेयक पारित हुए 6 महीने हो गए। पहले उस विधेयक को कानून के रूप में सरकार लागू करे, यहाँ के पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दे, SC ST का 2-2% आरक्षण वृद्धि करे, उसके बाद नियुक्ति करे, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। इसके साथ ही कि 11 नवंबर 2022 को ही इसी सरकार ने सदन से पारित कराया है कि झारखंड राज्य के लोगों को 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और फिर उसी के आधार पर नियोजन नीति देंगे। 6 महीने हो गए, 6 महीने के बाद फिर सरकार का वही ढग का 3 पात, 32 करते करते सरकार 23 में आ गई है, यहाँ के लोगों का हित कर रही है। तो निश्चित रूप से झारखंड राज्य के 3.5 करोड़ जनता का ये सरकार गला घोट रही है। और आप देखे होंगे कभी ये 47 जिसकी बात करें, जिला स्तरीय नियुक्ति की बात करें, आज 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पर पिछड़ी जातियों की बहुत ज़्यादा संख्या है, वहाँ पर पिछड़ी जातियों का आरक्षण शून्य कर दिए। तो इस तरह से वर्तमान सरकार निश्चित रूप से OBC विरोधी है, OBC को आरक्षण नहीं देना चाहती है। पंचायत चुनाव में जहाँ 10,500 से ज़्यादा पद थे, जहाँ पर पिछड़ों का आरक्षण था, उसको शून्य करके इन्होंने समान कर दिया। नगर निकाय चुनाव में भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके सुप्रीम कोर्ट में कहा, ट्रिपल टेस्टिंग की बात कर रही कि हम कमीशन गठन करेंगे, ट्रिपल टेस्टिंग करेंगे, कब? 3.5 साल तो गुजर गए इस सरकार के इस तरह से झूठा आश्वासन देते देते। तो अब तो सरकार चेते, कम से कम जो 1.5 महीने बचे, 1.5 साल जो बचे हुए, इस 1.5 साल में जितने जो महत्वपूर्ण है राज्य हित में सारे मुद्दों पर सरकार निर्णय ले। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।